घर के सामने खड़ी युवती पर चढ़ा मैजिक वाहन, हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रूपापुर गांव में शनिवार की दोपहर घर के सामने खड़ी एक 18 वर्षीय युवती में मैजिक वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जहां युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं युवती का 4 वर्षीय भतीजे को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार स्वाति पुत्री हनुमंत लोधी उम्र 18 वर्ष निवासी रूपापुर थाना मायापुर अपने 4 वर्षीय भतीजे रियंत लोधी को गोदी में लेकर घर के सामने खड़ी थी। बताया जा रहा है कि स्वाति लोधी के परिजन कथा कराने देवस्थान पर जा रहे थे। स्वाति अपने भतीजे को ट्रैक्टर पर बैठी उसकी मां को दे रही थी, तभी एक तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्वाति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में स्वाति लोधी गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं भतीजे रियंत को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस ने मैजिक वाहन को पकड़ लिया है। वहीं स्वाति लोधी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। आपका कहाँ रहती हैं आप? कौन ने टक्कर मार दी है? कृपाल की गाड़ी आती। कौन सी? 4 पहिया की? हाँ। कौन कौन है? तो स्वामी इंद्र वाहन तो और उनके हल्की मोड़ा का जन अनिल भी आते। अच्छा, तो टक्कर कौन कौन में मारी है? जो मोड़ा में जो मोड़ी है दोनों में। हाँ। तो जी क्या कर रहे थे? कचरा कर रहे थे। मैं हम जा रहे थे दाऊ बबन जा रहे थे कथा करवे काज। हम ट्रैक्टर में बैठे ट्राली में, जब मोड़ी जो करके ऐसी घोड़ा भी लगी थी कि मम्मी तुम जाए लहा जाओ। ट्रैक्टर पे चढ़ा रही थी बच्चे को इतनी बटे। कथा करने का जा रहे थे आप? कथा करने जा रही थी मैं। दूसरी पिटी के लवा जा रही थी। हम जा रहे थे।